तो भाई अपना नाम तो बता दे, नाम क्या है तुम्हारा? उमेश। अच्छा भाई का नाम उमेश है। हाँ तो उमेश भाई बताओ, यहाँ पे पहले पेंट हीटिंग होता है। अच्छा ये पेंट हीटिंग होगा यहाँ पे, हम लोग ड्रम पे लगाएंगे। हाँ यहाँ हीटिंग होने के बाद इसको लगा देंगे। अच्छा हाँ, अच्छा इस पाइप से पेंट ट्रांसफर होगा उधर। ओके, और हीटिंग करना है हमको, और हीटिंग करना है उसमें। ठीक है, तो ये हीट करते किससे हो तो आप लोग? तो इसमें कुछ वो लगे हैं क्या, रोड वगैरह जिससे वो गर्म होता है पेंट? उसमें ऑयल सिस्टम दिया, जैसे लिखा है ना ऑयल मीटर, तो इसमें पूरा ऑयल लगा हुआ है, ये हीट होता है। अच्छा, और यहाँ पे हमको पेंट के ये हीटिंग बता देगा, इतना आपको रखना। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे आपको चलाना है। हाँ ठीक है। अच्छा इतने बड़े पैनल से वगैरह सब है, पूरा हम लोग सेटिंग करके रखा है। अच्छा, कौन से पेंट को हम लोग कौन कौन सा चलाना है। ओके, यहाँ से ये इसके बाद वहाँ से पेंट ये वाला मशीन खींचते हैं। अच्छा वो इसमें खींचता है पेंट? हाँ, इसको हम लोग छोटा पंप बोलते हैं। अच्छा छोटा पंप है ये, ये हमारा सबसे मेन पंप, मदर पंप। मदर पंप ही है सबसे मेन पंप है, इसमें हमारा तीनों चीज आ जाता है, जो पेंट का भी आ जाएगा, हार्डनर भी आ जाएगा, और थिनर के लिए हम लोग ये एक्स्ट्रा रखे हैं। अच्छा थिनर के लिए अलग पंप लगा रखा है, इसमें दो पेंट आता है और एक वो ये दो पेंट मिक्स करते हैं इसमें? नहीं नहीं, एक हार्डनर का है। अच्छा ये जो हार्डनर का है, एक हार्डनर का और दो पेंट का है। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग इसको पूरा ऊपर नहीं चलेगा। अच्छा ये पंप होगा? हाँ ये पंप इसका हवा का है, हवा का पंप। अच्छा ताकि आगे कितना स्प्रे मारना है कितना नहीं स्प्रे। ठीक है, ये जो हाँ ये हार्डनर का टंकी है, अच्छा ठीक है। और ये जो ये पैनल जो ट्रॉली का वहाँ, अच्छा वो ट्रॉली जो चल रही है अपने पटरी पे चल रहा है वो। ठीक है ओके, अच्छा वो उस पैनल से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये मोटर लगा हुआ है। ठीक है ठीक, हमारा अच्छा हमारा पेंट आता है, इसमें पेंट आएगा, इसमें हमारा हार्डनर, उसमें हार्डनर। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मिक्स हो जाए, ये अच्छा यहाँ मिक्स होता है मतलब है। ओके, मिक्सर यहाँ से मिक्स होके इस पाइप द्वारा वहाँ स्प्रे होता है, वहाँ स्प्रे हो जाएगा। और इसमें थिनर का कैसे क्या रहता है? ये दो है, हाँ हम लोग पेंट और हार्डनर बंद कर दिए, हम लोग थिनर चालू कर दिए, इससे ये मिक्सर पूरा वॉश हो जाए। अच्छा थिनर इसको वॉश करने के लिए रखा हुआ है, ये जमना नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पेंट जम जाएगा तो फिर वो दिक्कत आएगी ना, मिक्सर जाम हो जाएगा, तो बस थिनर का काम अपना खाली इसको साफ वॉश करना है। समझ गया ओके। अच्छा वो रोटर इस चीज से चलता है, इस पैनल से? तो भाई इस पैनल से वो रोटर चलेगा अपना, ठीक है, जिससे अपना पूरा पाइप घूमेगा, रोटेट होगा और अपना ये पेंट बराबर, तो ये पेंट बराबर मतलब ये पूरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा अपने को? तो हमारे गेज है हमारे पास। अच्छा गेज है, गेज है, जैसे कम ज्यादा हम लोग स्पीड, जैसे अभी जो कम आएगा उसका स्पीड कम कर देंगे तो पेंट हमारा बराबर पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, और अब स्पीड ज्यादा रखेंगे जिससे पेंट ज्यादा, अभी जैसे हवा की वजह से ये पेंट आपको हाँ पेंट लटक रहा है नीचे, वैसा नहीं होना, हवा हो रहा है, हवा की वजह से हो रहा है। हाँ तो वही मतलब कि जैसे पेंट तो बराबर जाना चाहिए ना, तो कहीं अगर मान लो कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो उससे भी इश्यू होगा, वो कवर हो जाता है। अच्छा ठीक, तो भाई भाई अपने बस यही थी इतनी सी स्टोरी पेंट वर्कशॉप की। तो ये काम है इस पेंट वर्कशॉप का, देख लीजिए इतने बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं और ये कितना हैवी ड्यूटी वर्क कर रहे होंगे यहाँ, और मतलब ये इतने सारे अभी ये पाइप है जिनको ये अपना हाइड्रा मशीन उठा के इस पर ला के रखता है ऊपर, और फिर उसके बाद अपना यहाँ पे सारा वर्क चलता है। ये छोटी सी स्टोरी अपने इसकी पेंट हाउस की।
हाँ भाई, तो ये जो प्लेट लगा रखी है दोनों तरफ, ये इस पे पहले आप चेक करते हो पेंट मार के? ना ना, तो इसमें हमारा जो थिनर रहता है ना, हाँ? पाइप में थिनर है, वॉश करते हैं वो, तो इस पे फेंकते हो गए? हाँ, तो इस पे हम लोग निकाल देते हैं। अच्छा, थिनर के साथ जब उसको वॉश करते हो मिक्सर को, तो इस पे आप करते हो? वॉश करने के बाद जो पेंट रहता है, पेंट यहाँ से निकलने के बाद पाइप पे जाना चाहिए। हाँ, समझ गया, पाइप पे नहीं जाना चाहिए। समझ गया मैं आपको। अच्छा, जो उसमें थिनर बचता होगा तो वो उसको निकालने के लिए, निकालने के लिए पाइप पे नहीं जाना चाहिए। वो पाइप पे जाएगा तो उसका फिर वो पेंट बराबर नहीं बैठेगा ना, पकड़ेगा नहीं ना, पता नहीं पाइप पे नहीं पकड़ेगा। चलो ठीक है दोस्तों, भाई ये हमारी तरफ से था, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। भाई की रिक्वेस्ट सुन लो यार, हाँ, कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो कर लो। और काफ़ी सारा थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना अपना अभी तक सपोर्ट करते आए हो, करते रहोगे।